मैं महेंद्र गुप्ता जो सादरा में रहता हूँ, मैं इस समय जो पहले भी जब भी कोई समाज पे कोई संकट आया तब भी अपील की आपके चैनल के माध्यम से, आज पुनः फिर मन बड़ा विचलित था कि क्या करूँ। मैं कई दिन से स्वयं लोगों से अपील कर 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 शमशान घाटों के बाहर, जब मेरे पास फ़ोन आते हैं कि चिता के लिए जगह नहीं मिल रही, वहाँ बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं स्वयं सीमापुरी शमशान घाट निगम बोध घाट गया। और ख़ास तौर से मैं सीमापुरी शमशान घाट की ओर ध्यान फोकस करना चाहता हूँ। जब मैंने वहाँ जाकर देखा वहाँ कुछ पानी की दिक्कत, तो हमने कुछ लोगों ने मिलकर वहाँ पर पानी भिजवाया। फिर देखा कि डेड बॉडियों को आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो 2 गज का जो कफन, 5 गज का जो कफन था वो भी चिताओं को नसीब नहीं हो रहा, जो अर्थी लगती थी वो भी नसीब नहीं हो रही, क्योंकि उनको जब हॉस्पिटल से ले लेके आ रहे हैं। इसमें एक हमारी संस्था है महाराजा अग्रसेन सेवा संघ, जिसके माननीय अध्यक्ष श्री अनिल पित्ती जी हैं, और उसके जो सर्वे सर्वा श्री अशोक जी मोमबत्ती वाले, और हमारे सरसप्रस्त जो जिनके नेतृत्व में इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं, श्रीमान कैलाश गोयल जी, जो एक स्वयं हमारी जो महाराजा अग्रसेन सेवा की एक संस्थान भी है, जिसमें हम 24 घंटे वहाँ जो महंगे से महंगे टेस्ट है सिर्फ नाम मात्र रेट पर करा रहे हैं। हमारी संस्था महाराजा अग्रसेन सेवा संघ, जिसकी निःशुल्क एम्बुलेंस और उस पर भी हमने कार्यकर्ता रख दिए हैं, हमको वहाँ से तीन तीन चार चार मंजिलों पर से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब कोरोना से डेथ हो गई। हॉस्पिटलों से फ़ोन आ रहे हैं, उनके रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, तो अब हम अपने ड्राइवरों को वहाँ दौड़ाते हैं। कई जगह लोग हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होते, उसके लिए भी हमने कुछ कार्यकर्ताओं को रख लिया है, उनको हमने किट मास्क पहना के रखा हुआ है। हमारी 2 गाड़ियाँ और दो चार गाड़ियाँ दिन रात दौड़ रही हैं, और अगर किसी बंधु को आपके चैनल के माध्यम से ज़रूरत पड़ती है हमारे ड्राइवरों को आप फ़ोन करें। उनका नंबर है 92-120-021-21, और दूसरा एक और नंबर है 92-120-031-31। ये कार्य में लगी हुई हैं। जब हमने सीमापुरी में देखा कि डेड बॉडी को पहले तो अर्थी पे आती थी, चार भाई और समाज के लोग आते थे, आज मैं देख रहा हूँ कि डेड बॉडी के साथ एक या दो या तीन आदमी होते हैं। ऐसे में अर्थी लगी नहीं होती, क्योंकि हॉस्पिटलों से उनको उठा उठा कर जब लेके आते हैं तो वहाँ स्ट्रेचर की आवश्यकता होती है। मैंने माननीय अध्यक्ष श्री अशोक जी और श्री कैलाश गोयल जी से अपील की कि सीमापुरी शमशान घाट पर वहाँ बड़ी दिक्कत होती है, डेड बॉडियों को कहाँ रखें, ज़मीन पर रखें, क्या रखें। तो हमने तुरंत वहाँ से 5 स्ट्रेचर हमको संस्था से मिले, और वो हमने सीमापुरी शमशान घाट में, वहाँ पानी की समस्या थी उसको भी हमने कह दिया कि जितना भी पानी चाहिए हम कुछ बंधु वहाँ इकट्ठे कर कर ख़ास तौर से महाराजा अग्रसेन सेवा संघ संस्थान के तमाम पदाधिकारी इस कार्य में लग गए हैं, और हमने 500-500 पेटियाँ पानी अपनी संस्थान में रिजर्व रख लिया है। वहाँ जब भी जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ती है हम भिजवाते हैं, और संस्था के माध्यम से, और मैं स्वयं अपने माध्यम से आपसे अपील करता हूँ कि दिल्ली की और दिल्ली NCR या जहाँ जहाँ शमशान घाटों के बाहर लोग संस्कार के लिए पहुँच रहे हैं, आप कोरोना से मत डरिए, 2 गज की दूरी बना के रखना है, मास्क जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, वो हमारे लिए की है, मेरा केवल आप सभी बंधुओं से हाथ जोड़ कर विनती है कि तमाम शमशान घाटों के बाहर पानी पैक लेकर पहुँचें। पानी पैक वाला गिलास, जूस इत्यादि, फल इत्यादि, ये एक मानव का क्यों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और अगर आप हमारे पास फ़ोन आते हैं कि शमशान घाट के अंदर हमारे पास पैसा नहीं है, गरीब लोग, उसके लिए भी हमारी संस्था ने निःशुल्क व्यवस्था की है। अगर किसी के पास एक ही व्यक्ति है और घर में चार व्यक्ति है, चार में से तीन कोरोना पॉजिटिव है, घर में एक आदमी कैसे उस डेड बॉडी को लेकर आए, वहाँ हमारे कार्यकर्ता पहुँचते हैं, जो तीन तीन चार चार पाँच पाँच मंजिल से हम डेड बॉडी को उतार कर, और हमारे कार्यकर्ता ये पहुँच कर अपनी जान को जोखिम में डालकर उनको तत्काल शमशान घाट पर भिजवाते हैं। शमशान घाट में भी बिना वेटिंग के ऐसे व्यक्तियों का हम संस्कार कराने में हमारी संस्था अग्रसर है। मैं आप तमाम समाज के बंधुओं से अपील करता हूँ, तन से, मन से, धन से, इस सहायता में जूस इत्यादि, फल इत्यादि पहुंचाने में संगठन का साथ दें। आप स्वयं पहुंचे शमशान घाटों के बाहर। खास तौर से मैं अपील करना चाहता हूं कि जितेंद्र सिंह जी, संटी श्रीमान, ये सरदार जी, इनको अभी भारत सरकार ने एक अवार्ड भी दिया है। वो 24 घंटों सीमापुरी शमशान घाट पे, उनकी संस्था शहीद भगत सेवा दल भी लगी हुई है। आप उनका भी मनोबल बढ़ाने के लिए आपसे अपील करता हूँ कि आप वहाँ स्वयं पहुँचें। आप अपील की
कि आप केवल आप सामान तो भिजवा सकते हैं और आप फोन करें और 24 घंटे, मैं तो ये कहता हूँ कि ये मानव का कार्य है और मैं तो स्वयं इस कार्य में लग गया हूँ। आपसे भी अपील करता हूँ, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है। और हमने भी ठान लिया है जब तक ये कोरोना भारत से नहीं पूरे विश्व से नहीं भागेगा, हम उसमें एक छोटा सा कण का काम तो कर सकते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्य में लग गए हैं, श्रीमान मोदी जी, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको इतनी आयु लंबे दे, 24 घंटे 23 घंटे भागकर कार्य वो कर रहे हैं। और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी से भी अनुरोध करता हूँ, यह समय एक घर में बैठने का नहीं है, आप अपने तमाम विधायकों से अपील करें कि वो पब्लिक के बीच में जाएँ। हॉस्पिटल में मेरे पास पूरा दिन 15-15, 20-25 फोन आते हैं, कहते हैं महेंद्र जी ऑक्सीजन दवा दो, किसी भाव दवा दो, फिर भी भाग कर जैसे तैसे कर यानी कि ऑक्सीजन दिलवाते हैं, फिर अपील करते हैं कि डेथ हो गई, एम्बुलेंस चाहिए, तब हम अपनी जो महाराजा का सेवा संघ की एम्बुलेंस से उसको मंगाते हैं, अगर वो नहीं होती तो संटी जी की गाड़ियाँ मंगवाते हैं। और मैं एक और अपील करना चाहता हूँ, जो ये खास तौर से डॉक्टरों से, नर्सिंग होमों के मालिकों से, कि आपके यहाँ जो एम्बुलेंस खड़ी है वो मुझे पता चल रहा है कि 15-15, 20-20 हज़ार रुपया ले रहे हैं, ऐसा घृणित कार्य ना करें, ये पैसा किस काम आएगा। आपका जो चार्ज रीजनेबल, हम तो फ्री की सेवा कर रहे हैं, पर आपका भी एक फर्ज बनता है कि जिस जो कार्य 500-1,000 रुपये में हो सकता है उस कार्य के लिए आप 20-20 हज़ार रुपये ना लें एम्बुलेंस। छोटे छोटे 5-5, 7-7 किलोमीटर के लिए ऑक्सीजन के आप 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं, ऐसा घृणित कार्य, ये पैसा क्या काम आएगा। मैं सभी डॉक्टरों से, नर्सिंग होमों से, खास तौर से दिल्ली पुलिस से आग्रह करता हूँ, माननीय कमिश्नर साहब से, तमाम SHO से, कि जो एम्बुलेंस दिल्ली की, ये एम्बुलेंस जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खासतौर से GT राजीव गांधी के बाहर खड़ी है, इन पर निगरानी रखें, अपने मुखरों के जरिए, CBI के जरिए, कि ये गलत कार्य, गलत पैसा तो नहीं ले रहे, क्योंकि ये कार्य, मानता हूँ कि ये छुआछात की बीमारी है, पर ऐसा नहीं है। आप मानव का अगर कार्य कर रहे हैं तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोरोना को हराना है और हमें जीतना है। साथियों, यह पैसा लोगों ने दिल खोल दिया है, मैं तमाम व्यापारी संगठनों से, खास तौर से जितने भी व्यापारी संगठन हैं उन्होंने भी इस कार्य में अपना हाथ आगे बढ़ाया है, किसी भी तरह की ब्लैक माल से बचें। मैं डॉक्टरों को भगवान मानता हूं, डॉक्टरों से भी अनुरोध करता हूं कि निस्वार्थ इस कार्य में लग जाएं, पैसा कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ये एक ऐसा महाबीमारी फैली है कि हे भगवान, किसी मेरे अपने किसी से अगर बैर भी है उसको भी बीमारी ना लगे, और अगर किसी को अड़ोस पड़ोस में किस तरह का मामला आ जाता है तो आप कैसे न कैसे वो टिफ़िन भोजन की व्यवस्था, तमाम गृहणियों से, तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूं, अगर आपको ये पता चलता है कि उस घर में कोरोना हो गया, आपको पता है वहाँ दूध नहीं पहुंच सकता, पर उनको हम तड़पते हुए तो ऑक्सीजन सरकारें लग गई हैं, आप भी लगें, मैं भी लगा हूं, अगर किसी के घर में पता चल गया कोरोना हो गया, उसके फ़ोन आने से पहले आप उसको फ़ोन करें कि बहन जी हम खाना भिजवा रहे हैं आपको दोनों तीनों टाइम का। इतना बड़ा मानव का कार्य अगर आप करेंगे तो भगवान शंकर भी आपकी ओर देखेंगे और आपको भी इस कार्य में तमाम, मैं खास तौर से लघु मीडिया और बड़ी मीडिया भी इस कार्य में लगी हुई है। मेरे बहुत ही अजीब साथी, आप सब जानते हैं कि एक 42 साल की उम्र में जिन्होंने नाम कमाया मीडिया के, मैं आज इस चैनल के माध्यम से, मेरे बहुत ही अजीब साथी मात्र 42 साल मेरे से बहुत छोटे थे, रोहित सरदाना जी, श्री उनको कल 12 बजे कोरोना के बीच में अटैक आया, उनकी डेथ हो गई। तमाम मीडिया के बंधुओं ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। मैं भी अपने व्यापारियों की तरफ से, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता होने के नाते से उनको अपनी बहुत बड़ी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, वो भी आप लोगों के बीच में आकर कवरिंग करते थे, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, उनके परिवार में सुख शांति बनाए रखे। हे परमपिता परमेश्वर, रोहित जी को अपने चरणों में निवास दे, और इसी के माध्यम से किसी तरह की दवाइयों की ब्लैक मैरी ना होने दें। मेरा सबसे अनुरोध है, तमाम केमिस्टों से अनुरोध है कि भैया बहुत उम्र है कमाने के लिए, आप अपनी दवाइयाँ, मैं कहता हूँ आप फ्री में भी ना दें, नो प्रॉफिट नो लॉस, पर आप अपनी दवाइयाँ दें किसी भी तरह का। और लोगों से भी अपील करता हूँ,
कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी तो बना कर रखें, मैं तो कहता हूँ कि 5 गज की, 10 गज की दूरी बना कर रखें। इसी के साथ हमारी महाराजा अग्रसेन सेवा संघ की और सारी एम्बुलेंस दिन रात निस्वार्थ निःशुल्क उपलब्ध हैं। किसी भी भाई को, किसी भी गरीब व्यक्ति को लगता है कि लकड़ियों की भी आवश्यकता है तो हम निःशुल्क वहाँ संस्कार करवाएंगे, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। महेंद्र गुप्ता अपने साथियों की तरफ से आपको अपील करता हूँ कि असल अगर किसी को भी किसी भी तरह की आवश्यकता जरूरत पड़ती है, हम प्लाज्मा भी डोनेट जहाँ तक अपील करते हैं और बहुत लोग आगे आ रहे हैं। इसी अपील के साथ मैं भारत चैनल का बहुत आभारी हूँ।